आईआईटी आईएसएम धनबाद के नए निदेशक प्रोफेसर जेके पटनायक ने अपनी पहली मीडिया ब्रीफिंग में क्या कहा। आईआईटी आईएसएम धनबाद के नए कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर जेके पटनायक बुधवार को पहली दफा मीडिया के साथ रूबरू हुए। अपने पहले मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने बता दिया कि नई शिक्षा नीति के हिसाब से संस्थान को संचालित करते रहेंगे। विदेशी छात्रों का झुकाव आईआईटी आईएसएम की तरफ अधिक से अधिक हो, इस पर काम शुरू कर दिया गया है। सामाजिक दायित्व को बेहतर निर्वाह करते हुए संस्थान के छात्रों एवं फैकल्टी के द्वारा आसपास के गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा, उनके रहन सहन के स्तर को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को विज्ञान में रुचि बढ़ाने के लिए उनके लिए यहाँ का परिसर शुक्रवार को खोला गया है। वो लैब भ्रमण कर अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। तकनीक के मामले में नित्य नए शोध हो रहे हैं। हम अपने यहाँ छात्रों के शोध के लिए फंड और बाजार दोनों उपलब्ध करा रहे हैं। देश के तमाम आईआईटी में इसका उत्कृष्ट स्थान और बेहतर बने इसकी कोशिश जारी है। इंस्टीट्यूशन है जिसका फंडिंग पूरा भारत सरकार ने कर रहे हैं। सो हमारा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो सोसाइटी में हमारा संस्थान के आसपास में जितना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, अगर हम लोग उनको सपोर्ट कर सके, एंड इन दैट डायरेक्शन ऑल्सो वी आर ट्राइंग। हम लोग इसको भी देख रहे हैं कि बाय वर्च्यू ऑफ आवर रिसर्च कैपेसिटी एंड टैलेंट एक्विजिशन, अगर हम लोग बाकी जितने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है उनका डेवलपमेंट में अगर हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, देन दैट विल बी अगेन अनदर अचीवमेंट फॉर अस। थर्ड पार्ट, सोसाइटल मीन्स हमारा चारों तरफ जो सोसाइटीज हैं उनको कैसा, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनका जो लाइफस्टाइल है, उसको हम लोग कैसा इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि हम लोग सबको मालूम है हमारा चारों तरफ जो सोसाइटी है वो थोड़ा फाइनेंशियली वीकर सेक्शन है, उनके पास इतना साधन नहीं है, जहाँ पे जो हमारा टैलेंटेड बच्चे हैं वो आ नहीं पा रहे हैं नेशनल लेवल में। तो हम लोगों का ये प्रयास रहता है हाउ वी विल बी जस्ट कंट्रीब्यूटिंग इन दैट डायरेक्शन। तो हमारा बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जाते हैं, वो बच्चों को जाकर के रेडिकली पढ़ाते हैं, ये तो शायद आप लोग सबको मालूम है। और ये भी होता है कि हमारा कोई कोई फैकल्टी मेंबर्स वो भी वॉलंटरीली जाके उन लोगों को थोड़ा सा मदद करते हैं। और जैसा रजनी मैम ने अभी बोले हैं कि बहुत सारा स्कूल्स नियर बाई जितने स्कूल्स है उन लोगों को भी, वो बच्चों को हम लोग लेके आते हैं पर्टिकुलरली वीकली ऑन फ्राइडे। हम लोगों के पास जितना मशीन्स है, जितना इक्विपमेंट्स है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। एटलीस्ट उनको एक आइडिया होता है कि नहीं, इसी टाइप का मशीन्स है, इसी टाइप का काम होता है, इस टाइप का पढ़ाई होता है, ये सब हम लोग कराते हैं, ये छोटे बच्चों का लेवल में। अभी जो इनोवेशन सेंटर है जिसके बारे में धीरज जी बोल रहे थे, उसमें क्या होता है, हम लोग एक ये जो सोसाइटी है उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आपके पास रोजगार का जो माध्यम है उसको हम लोग बढ़वाना चाहते हैं, आप कुछ इनोवेट करिए, आप कुछ क्रिएट करिए अपने आप, हम लोग आपको सपोर्ट देंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे, टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे और उसका मार्केटिंग सपोर्ट भी देंगे, हम लोग चारों तरफ इसको प्रोपागेट भी करेंगे। सो जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास आइडियाज हैं लेकिन इनके पास इतना साधन नहीं है, that they would be coming forward and establish themselves, हम ही लोग उनको हेल्प करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सो अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा प्रभु जी प्योर फूड। चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद।